नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षय चौधरी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। आदिवासी उत्पीड़न, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्षी विधायकों ने सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा करना शुरू कर दिया। बार बार हंगामे की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 5 दिन का मॉनसून सत्र महज 2 दिन में ही खत्म हो गया। बता दें 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था, वहीं 2 दिन में ही इसे खत्म कर दिया गया। बता दें कि इन 2 दिनों में ही सत्र 4 घंटे भी ठीक से नहीं चल पाया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन चला। वहीं सत्र स्थगित होने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं प्रवेश कर रहा था उस समय मैंने मीडिया से चर्चा में ये बात इंगित कर दी थी। हमें खबर लग गई थी कि बीजेपी ने षड्यंत्र कर लिया है, स्पीकर के साथ बैठ के संसदीय कार्य मंत्री उनकी टीम ने ये तय कर लिया था कि ना हम सीधी कांड पे कोई चर्चा कराएंगे, ना सतपुड़ा पे कोई चर्चा कराएंगे, ना महाकाल लोक के भ्रष्टाचार पे, इसलिए हंगामा कराओ, इनकी एक भी बात मत सुनो और ताकि बजट इसी में हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्थगन प्रस्ताव मेरे नाम से दिया, नियम 139 में मैंने लिखित में दिया, ध्यान आकर्षण दिया। अरे भाई, किसी रूप में तो चर्चा कराओ। आप चर्चा करानी नहीं चाहते ना कि आपने इतना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार की, चर्चा कैसे कराई? पुराने मुद्दे कैसे हो गए? 8 दिन पहले सीधी में आदिवासी युवक के साथ घटना होती है, 1 महीने पहले सतपुड़ा में भ्रष्टाचार की फाइल जला दी जाती है, महाकाल लोक में 1.5 महीने पहले धर्म के आड़ में आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। ये क्या पुरानी घटनाएं हो गई? क्या इन पे हम विपक्ष मौन हो जाएगा? तुम्हारे भ्रष्टाचार को मिट्टी में दबा दे क्या? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी दसारी आग ली, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात है कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि सब विधायक मिलकर तय करेंगे, आदिवासी अत्याचार बढ़ रहा है, और कहा कि झाबुआ में ऐसे आदिवासी महिलाओं के साथ घटना हुई है। साथ ही बताया कि रोज न कोई घटना घट रही है, लेकिन कई घटनाएं छपती नहीं है, और बताया कि विधायकों की राय के मुताबिक हम चलेंगे। हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। ये महाकाल का इतना बड़ा घोटाला, उसकी चर्चा के लिए नहीं तैयार। आग लगी, कितनी दसारी आग ली, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात है कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल से नगरीय प्रशासक मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बयान सामने आया है। कहा उन्होंने कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ईडी प्रकरण में कठोर कार्रवाई होना थी, इतनी कठोर कार्रवाई की गई। किसी विषय में राजनीति करना और राजनीतिक लाभ लेना ये नहीं होना चाहिए। घटना पुरानी हो गई है, विपक्षी ये बताएं कि क्या चाहते हैं। इस मामले में सारी कार्रवाई हो चुकी है, और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के संगठन बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि अमित सर चुनाव की दृष्टि से रणनीतिकार माने जाते हैं, उनका लंबा अनुभव है, उनके अनुभव से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। खबर भोपाल से, जहां पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बीजेपी संगठन के अमित शाह के साथ हुई बैठक पर बयान दिया। बैठक पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि एमपी में बीजेपी को चुनाव जीतना है, साथ ही अमित शाह हमारी ऊर्जा का स्रोत है,
जिनके नेतृत्व में बीजेपी पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी जिम्मेदारी पर सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी सिंधिया को मिली थी उसे वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार का अंतिम सत्र है, भाईचारे सौंदर्य से सरकार सदन चलाए। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें जालिम तानाशाह कहा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सत्र नहीं चलाने दे रही है, सरकार आदिवासी मुद्दों पर चर्चा करे, चर्चा नहीं होने पर विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। भोपाल में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा एक विजय संकल्प अभियान पूरा हो चुका है, चुनाव नजदीक है, इसलिए अब दूसरा कार्यक्रम बनने वाला है। तो वहीं झाबुआ में एसडीएम पर सख्त कार्रवाई की गई है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बैठक में अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में विजय की रणनीति के साथ पार्टी की तैयारी पर मंथन किया। साथ ही विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी, इस अभियान में पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्होंने सीएम को पलायनवादी मुख्यमंत्री बताया है। साथ ही सज्जन सिंह ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए सदन की कार्रवाई को दो दिनों में खत्म करने की साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर भी बड़ा हमला बोला। तो शिवराज सिंह पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है, उन्हें पलायनवादी मुख्यमंत्री बताया है। सज्जन सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जहां कैबिनेट की ब्रीफिंग संसदीय कार्य मंत्री और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। बता दें कि अब 2 करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगी। साथ ही कैबिनेट में ग्राम रोजगार सहायक को बढ़ावा देने के लिए 274.95 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अब जिला पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय 1,00,000 रुपया मासिक होगा। महान भत्ता और मानदेय मिला के महान भत्ता और वो उपाध्यक्ष का 42,000 होगा। जिला पंचायत के जनपद पंचायत के अध्यक्ष का 19,500 रुपया मासिक वेतन होगा, ऊपर भी जिला पंचायत का मासिक होगा और उपाध्यक्ष का 13,500 जनपद के उपाध्यक्ष का मासिक होगा, जबकि पंच और उपसरपंच का वार्षिक मानदेय 1,800 रुपये किया जा रहा है। खबर सिंगरौली से, जहां जिले में एक युवक से मारपीट करने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सिंगरौली जिले के विधान नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि 2 युवक एक असहाय युवक को किसी तरह बेरहमी से मार रहे हैं। बता दें कि युवक गिड़गड़ाता माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद भी उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
भोपाल से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहता है और कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। साथ ही मंत्री गृह अमित शाह के दिशा निर्देश का भी हम सभी पालन करेंगे, उन्होंने ये कहा। संकल्प तो शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 12 माह चुनाव के लिए तैयार रहता है, चुनाव के लिए तैयार है, पूरी फौज तैयार है। वरिष्ठ नेतृत्व का जो आदेश हुआ है उस आदेश के लिए हमारे मध्य प्रदेश का नेतृत्व पूरे तरीके से काम करने को तैयार है और जो भी निर्णय हुआ है, अमित शाह जी ने जो भी निर्देश दिए उस निर्देश के लिए नेताओं सहित हम सब पूरे तरीके से फॉलो करने को तैयार। तो राजस्थान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान चाकसू पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता मुराद अली शेख, मीडिया प्रभारी महबूब कुरैशी और मोर्चा आईटी सेल प्रमुख मोहम्मद इरशाद हसन हरनपुरा भी मौजूद रहे। तो चाकसू में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो हमीद खान चाकसू पहुंचे, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उधर राजस्थान के टोंक पुलिस का अवैध बजरी खनन को लेकर ऑपरेशन डिकाय जारी है। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 158 वाहनों को जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री राज ने लीज धारकों के कर्मियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो टोंक में पुलिस का डिकाय ऑपरेशन लगातार जारी है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पुलिस ने 158 वाहनों को जब्त किया है। चाकसू में नगर पालिका के अनुमोदित आवासीय भूखंडों की नीलामी योजना बनाई गई, तो वहीं रेलवे स्टेशन रोड पर IDSMT कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बता दें, चाकसू पालिका द्वारा कॉलोनी विस्तार के तहत पानी, बिजली, पार्क सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन चाकसू बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक का रास्ता सुगम नहीं है। सड़क पर गहरे गड्ढे, तो वर्षों पुरानी योजना में IDSMT कॉलोनी का विस्तार कैसे होगा और कैसे लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, इसको लेकर चर्चा की गई। तो चाकसू में अनुमोद ISDMC कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी हुई, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए गए। राजस्थान के चाकसू में अनुमोदित आवासीय भूखंडों की नीलामी योजना के तहत ये नीलामी की गई। तो चाकसू में IDSMT कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी हुई है, इस दौरान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए गए। तो आपको बता दें, भूखंडों को लेकर राजस्थान में ये भूखंडों को लेकर कार्रवाई की गई। उधर चाकसू में भी खबर सामने आई है, जहां पर भरतपुर के बहुचर्चित बीजेपी नेता कृपाल सिंह जकीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप जकीना को बुधवार को बस से भरतपुर कोर्ट लाते समय बदमाशों ने गोलियों से भून दिया, जहां मृतक को करीब 20 से 25 गोलियां लगी हैं। आपको बता दें, बदमाशों ने पहले पुलिस के आंखों में लाल मिर्च झोंकी, इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। पुलिस रोडवेज बस से ही जयपुर में भरतपुर कोर्ट में बदमाश को पेशी पर लेकर आ रही थी, जहां आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अमोली टोल प्लाजा से बस के निकलते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। उधर पंजाब के होशियारपुर में जल संसाधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिन्ना ने मीटिंग की। बता दें कि मुख्यमंत्री मान के निर्देश के अनुसार पीने वाले पानी को लेकर मीटिंग की गई। वहीं उच्च अधिकारी और फील्ड अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। बता दें कि मंत्री जिम्मा ने बाढ़ ग्रसित ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी वाले पानी पहुंचाने के आदेश दिए।
तो होशियारपुर में मंत्री जिम्पा ने ये मीटिंग की, मीटिंग का आयोजन किया गया, पीने वाले पानी को लेकर ये मीटिंग की गई। पटियाला में मान सरकार ने अहम कदम उठाए। बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सेहत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वहीं सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने पटियाला में टेम्परेरी अस्पताल खुलवाया। बता दें कि अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। वहीं डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि पटियाला की तर्ज पर सभी सिविल सर्जन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया है। तो पटियाला में मान सरकार ने अहम कदम उठाए हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। सारे सिविल सर्जन काइंडली नोट करो, मैं इस वेले जो सा पटियाले के नवा बस स्टैंड बनया, ये साडा जो फ्लड अफेक्टेड एरिया वो सेंटर से है, इट्स लाइक आईलैंड। सो असी इतने टैंपरेरी जो 24/7 हॉस्पिटल जो है सैटअप करता, मतलब डॉक्टर गुरनीत है जी, सारे जिन्हें सिविल सर्जन साहब है वो जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है वह जो भी आईलैंड अवेलेबल है उत्तर 24/7 जोड़ा है अपनी जो एमरजेंसी सर्विस देनिया है डे एंड नाइट। इस तो सिवाय असी IMA पटियाला टाई अप किया, वो सानू लगातार राउंड द क्लॉक टीम्स भी देंगे, उन्होंने सानू 4 एम्बूलेंस भी दी और 10 हॉस्पिटल ने वॉलंटियर किया कि साढ़े इनडोर पेशेंट भी रोड पर ट्रीट करेंगे। उधर हरियाणा में बारिश और नदियों के उफान से बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने 4 जिलों में हुई बारिश से हुए नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। वहीं एयरफोर्स स्टेशन का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ACSE माइनिंग अरुण गुप्ता और उपायुक्त राहुल हुड्डा यमुना नदी के किनारे पर हो रहे कटाव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और बेलगल के पास यमुना नदी के किनारे हो रहे कटाव की स्थिति को जांचा। अंबाला से जहां 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी का कहर कम हुआ है। जिन इलाकों में पानी कम हुआ है वहां के लोग अब अपनी फिर से जिंदगी सजोने में लगे हैं। साथ ही बाढ़ का पानी सारी जिंदगी कमाई अपने साथ बहाकर ले गया और जो कुछ बचा है लोग उसका आकलन कर रहे हैं। बता दें कि बाढ़ के पानी ने इतनी तबाही मचाई कि पानी 5 से 6 फुट तक घरों में घुस गया और लोगों की कारें, स्कूटर, फ्रिज, इन्वर्टर समेत रसोई का सामान सब बाढ़ की चपेट में आ गया। इतनी बारिश हुई, इतनी हुई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, चारों तरफ पानी भर गया, घरों में 4-4 फुट पानी। और जब बाहर की बात करें तो बाहर में कम से कम 10 से 11 फीट पानी भरा और जो खाने पीने का सामान था और जो बिजली की चीज़ें थी, बेड केस, ये सब कुछ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और गाड़ी बाहर खड़ी थी मेरी और गाड़ी नई गाड़ी थी और गाड़ी में भी बहुत बुरी तरह से पानी भर गया और गाड़ी भी बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म हो गई। जैसे मोटर भी जो पानी वाली थी वो भी ख़त्म हो गया और जीवन जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया। और लोगों को अपने आप मतलब बचाने के लिए कोशिश करने के लिए लोगों ने अपनी छतों का सहारा लिया और जिनकी सिंगल सिंगल घर था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। गड्डी भी खराब हो गई, एक्टिवा भी खराब हो गई, मशीन कपड़े धोने वाली, फ्रिज, कूलर सब खराब हो गए, बेकार हो गए, इनवेटर इनवूटर सब खत्म है हमारा समान, बेड खराब है, सारे सारा फर्नीचर भिज गया, हमारा कुछ नहीं बचा है। खबर यमुनानगर से जहां इंडस्ट्री एरिया में सुबह से हो रही भारी बरसात हो रही है जिसके कारण भाटिया प्लाईवुड की दीवार गिर गई और एक मिनी ट्रक उसकी चपेट में आ गया जिसे ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि ट्रक के ड्राइवर विशु और स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने बताया कि आज सुबह से ही यमुनानगर में तेज बारिश हो रही है जिसके कारण भाटिया प्लाईवुड की दीवार उनके ट्रक पर गिर गई और ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि ये दीवार मिट्टी की बनी हुई थी। साथ ही मौके पर थाना सिटी यमुनानगर को इस मामले की सूचना दी गई। इसके साथ ही मौके पर आकर ट्रक को दीवार के नीचे से हटाया और मलबे को पूरी तरह से साफ किया गया। खबर यमुनानगर से जहां कालका कॉलोनी में नाले में गिरी एक गाय को मौके पर ही पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बाहर निकाल लिया।
बता दें कि बरसात के चलते एक गाय नाली में गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब गाय नहीं निकल पाई तो उसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।